जय दोस्तों, उज्जवल परिवार के राजीव भाई आप लोगों के बीच में अपनी क्लास लेकर के एज ऑन 28 जुलाई 2023 प्रियंका जय हिंद भाई, विकास जय हिंद, विकास यादव निर्भय जय हिंद भाई, सुमित जय हिंद, सूरज तोमर जय हिंद भाई, ऋतिक जय हिंद, मोनू लखेरा जय हिंद। चले भाई शाबाश, एक बार क्लास को शेयर करेंगे, एक बार मुझे क्लास की विजुअलिटी और क्लियरिटी बताएंगे भाई एक बार आप लोग। चलिए शाबाश, एक बार क्लास की विजुअलिटी क्लियरिटी बताएं भाई। खुशबू गुड़िया जय हिंद भाई, सूरज तंवर जय हिंद दोस्त मेरे। एक बार क्लास की विजुअलिटी क्लियरिटी बताओ भाई, एक बार थोड़ी देर के लिए क्लास को शेयर करेंगे। आज का जो टारगेट है वो बड़ा शानदार होना चाहिए भाई। ओके चलो शाबाश, एक बार जय हिंद भाई, रवि यादव जय हिंद दोस्त मेरे, बहुत बढ़िया भाई, चलो शाबाश। चलो फिर शुरू करते हैं भाई, आज का क्वेश्चन लेते हैं। पहला ही क्वेश्चन जो कि आपके बीच में है, चर्चित क्वेश्चन रहेगा, एक बार क्लास को थोड़ा सा और बढ़ाओ भाई, है ना। डिम्पी तंवर जय हिंद भाई, विकास यादव जय हिंद, सही है सर। चलो फिर सही है, तो फिर बात कर लेते हैं आगे थोड़ा सा। हम यहाँ पर देखिए भाई, पहला ही सबसे पहले मैं गणेश भगवान और जो अपने सरस्वती माँ है उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें, क्योंकि आपको पता है गणेश भगवान भगवान और सरस्वती माँ का अगर आशीर्वाद रहता आप पर तो लक्ष्मी जी अपने आप आपके पास आ जाएगी, है ना। तो चलो अगर सब कुछ सही है तो फिर शुरू करते हैं। भगवान आप लोगों को सद्बुद्धि दे, अच्छी शिक्षा दे, और भगवान से मेरी दुआ है कि आप अच्छे लोगों की संगति में रहें, ठीक है। चलिए भाई लेते हैं पहला ही क्वेश्चन जो कि आपके बीच में है दोस्तों, बात करते हैं आज पहले क्वेश्चन की। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय आयुष से, आप इसको समझ सकते हैं भाई, देखेंगे एक बार, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय आयुष्मान भव्य कार्यक्रम शुरू करने जा रहा है। ऑप्शन ए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन बी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए शाबाश, एक बार इस क्वेश्चन को फिर सुनेंगे एक बार। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय आयुष्मान आपका कौन सा भी आपका किसकी बात कर रहे हैं हम, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय आयुष्मान भव्य कार्यक्रम शुरू करने जा रहा है। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय है, रक्षा मंत्रालय है, इनमें से कोई भी नहीं। चलिए शाबाश, एक बार बताएंगे, पहला ही क्वेश्चन आप लोगों के बीच में है भाई। चलो दिखाएं एक बार कौन आ गया, जितेश जंगड़ा। जितेश भाई सारे सबको पीजी वालों को एक बार इकट्ठा कर मित्र, जो लोग नए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो अपना एक बार अपने चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्लास को बढ़ाएंगे भाई, ठीक है। सचिन यादव जय हिंद सचिन भाई, सबको सबको बोल, अगर डिनर हो गया है आपका मेडिको गर्ल, जय हिंद भाई, नेहा तंवर जय हिंद। आज की क्लास का टारगेट कम से कम 50 से 60 बच्चों का टारगेट है भाई, ठीक है। चलिए विकास सचिन जितेश कहाँ है भाई, सनी कहाँ है, सनी महाराज कहाँ है उसको बता देना, सनी 37:30 शुरू हो जाएगी अगर क्लास में नहीं आए तो, कहाँ है वो। मधु जय हिंद भाई, जय हिंद, चलिए बहुत बढ़िया भाई, आप सब लोगों का वेलकम उज्जवल कोचिंग कैंपस में। देखिए हम यहाँ पर बात कर रहे हैं आपके, अभी हाल ही में चर्चा में आयुष्मान आपका जो भव्य कार्यक्रम, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं किसके द्वारा ऐसा कहा गया है, कौन चर्चा में है, क्या सारी की सारी बातें आपके यहाँ पर रहने वाली है। सुमित भाई बहुत बढ़िया, सुमित चंचनवाल उठा दे सबको अगर भोजन हो गया है तो। चलिए भाई यहाँ पे बात करते हैं, पहला ही क्वेश्चन आपके बीच में है, अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के आंसर की अगर बात करेंगे तो कौन सा आपका भाई, किसकी बात हो रही है आपका, कौन सा आपका यहाँ पर किसकी बात कर रहा, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय आपका आयुष्मान भव्य कार्यक्रम शुरू करने जा रहा है। थोड़ा सा क्लास की स्पीड रहने वाली है आपको बता देता हूँ, और जब क्लास की स्पीड है तो आप अच्छे से कॉपी पेन अपने हाथ में रखेंगे, संख्या कम है थोड़ी सी भाई, और बढ़ाइए भाई थोड़ी सी और बढ़ाइए, आपके बीच में शानदार क्वेश्चन रहेगा। चलिए भाई अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं आयुष्मान भव्य कार्यक्रम की, अगर हम बात करते हैं तो ये इसको शुरू करने वाला आपका स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। सबसे पहले मैं अगर बात करूं आप लोगों से दोस्तों, ध्यान से सुनेंगे आप लोग, देखिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय जो सुदूर या दूर जो आपके लोग बैठे हैं और स्वास्थ्य से संबंधित है, इसके उद्देश्य की अगर हम बात करते हैं, स्वास्थ्य से जो संबंधित आपकी संबंधित जो भी सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं को, सुविधाएं जो हैं आपकी, उन सुविधाओं को कहाँ तक पहुंचाने के लिए, उस जो दूर दराज के इलाकों में जो लोग बैठे हैं उन्हें वहां तक पहुंचाने के लिए, या हम कहें कि देश के हर व्यक्ति को स्वास्थ्य से संबंधित आपकी सारी चीजें मिले, सारी सुरक्षा मिले आपको। जैसे आजकल हम बात करते हैं स्वास्थ्य से संबंधित, तो बहुत सारी आपकी योजनाएं आई हुई हैं, तो इसका उद्देश्य केवल आपका यही है भाई,
ठीक है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय मोनू लखेरा, शाबाश भाई। सन्नी जांगड़ा, हाँ जय हिंद भाई, जय हिंद सन्नी। तू अगर चला गया तो मैं तेरे साढ़े सती लगा दूंगा दोस्त मेरे, और जो अपने जो लोग हैं अपने वो सारे के सारे बिल्कुल बढ़िया तरीके से नोट्स बनाएंगे, कल मैं चेक करने वाला हूँ इन रजिस्टरों को, ठीक है। ये क्लास वैसे सोशल मीडिया के माध्यम से जरूर आप तक पहुंच रही है, लेकिन ये आप लोगों के लिए जो उज्ज्वल कोचिंग कैंपस परिवार के जो लोग हैं उन्हीं के लिए आपने इसको ध्यान रखना है, ठीक है, ओके। यानी कि जो आयुष्मान आपके द्वार 3.0, आयुष्मान आपके द्वार 3.0 कह सकते हो, आयुष्मान आपका, आयुष्मान आपके द्वार, आपके द्वार जो है ये बात यहाँ पर हो रही है 3.0, हर व्यक्ति तक ये आपकी सुविधाएं पहुंचाने के लिए आपका ये किया जा रहा है। चलिए अब मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लेके चलूंगा जो कि जहर क्वेश्चन नहीं है, घबरा जहर डब्बे वाले क्वेश्चन, आज की क्लास का क्वेश्चन का टारगेट है 200 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, क्वेश्चन भी 200 वो मिलने वाले हैं जो मेरे ख्याल में आप लोगों ने शायद ही सुनने की कोशिश करी हो, क्योंकि अच्छी चीजें तो आप सुनने को तैयार होते ही नहीं है, ठीक है। चलो अब बात करें सबसे पहले तो जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की बात होती है, इस मंत्रालय की स्थापना मंत्री बता दो मेरे को तब तक आओ, इस मंत्रालय की स्थापना कब की गई थी, बहुत शानदार क्वेश्चन है आप लोगों के लिए दिए हुए, ठीक है। आपको पता कि देश में आम चुनाव कब हुए थे आप लोग जानते हैं, आम चुनाव कब हुए थे आपको पता है, कब हुए थे भाई, 1951-52 में, तब से ही जब से आपका लोकसभा का गठन होता है, संसद का गठन होता है या राज्यसभा का गठन होता है, तभी से आपका ये स्वास्थ्य मंत्रालय 1952 से आपके बीच में है, 1952 से स्वास्थ्य मंत्रालय आपके बीच में है दोस्तों। और बड़ा शानदार क्वेश्चन है मेरा कि भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे भाई। अगर आप लोगों को लगता है, अगर आपको लगता है कि क्लास में दम है, क्लास अच्छी है, तो क्लास को एक बार शेयर करेंगे, प्रवीण राजपूत वेलकम भाई, सीईटी के लेवल की क्लास भी है आपकी, यहाँ से बहुत सारी चीजें देखे जाऊंगा दोस्त अगर क्लास देखेंगे। प्रवीण जय हिंद भाई, जय हिंद। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय किसके पास था, पहली मंत्री कौन है, क्लास की विजुअलिटी क्लियरिटी अगर ओके तो एक बार सारे के सारे थम्सअप करेंगे, कैसे छोड़ के जा रहे लोग भाई, सारे के सारे एक बार थम्सअप करेंगे, क्लास को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। चलिए शाबाश, थोड़ी देर के लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी, बार बार नहीं दोहराऊंगा मैं, केवल पहले क्वेश्चन पे ही आप राजकुमारी अमरता कौर, वेल डन भाई, स्वास्थ्य मंत्री थी आपकी भारत की पहली महिला, ये वो महिला थी जो आपके विधानसभा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में भी शामिल थी, राजकुमारी अमरता कौर भाई, ठीक है। चलिए 1952 से ये चल रहा है आपका। अब बात यहाँ पर जब देखो मंत्रालय की आती है, बड़ा जहर क्वेश्चन देके जाऊंगा, वर्तमान में मुझे मंत्री बता दो आप भाई, वर्तमान में मंत्रियों की संख्या, देखिए सीईटी वाले भी तैयार रहेंगे, दिल्ली पुलिस वाले भी तैयार रहेंगे, और आपके जो भी एसएससी वाले उन सबके लिए एक क्वेश्चन है, रामबाण क्लास है भाई आपकी ये। यहाँ पर मैंने पूछा कि वर्तमान में मंत्रियों की संख्या बताएंगे, जरा बता देंगे आप लोग मुझे जहां तक आइडिया है। तो वर्तमान में मंत्रियों की संख्या की अगर हम बात करते हैं तो बड़े ध्यान से सुनेंगे आप, 47 कितनी भाई आपकी 47 है, और इसी के साथ आपकी कितनी है 2 है, और कितना हो जाएगा आपका 47 आपका 21 है, सॉरी 21 हो जाएगा आपका, 47 और 2 है, और एक जो आपके मंत्री हैं वो में भी शायद आपके 21 कितने हो जाएंगे आपके ये, हाँ हो गए। अब जरा मुझे बताएंगे आप लोग जब हम यहाँ पर बात करते हैं आपके मंत्रियों की संख्या की बात करते हैं तो कितने मंत्री हैं आपके, 21 नहीं है, माफी चाहूंगा 29 होने चाहिए भाई आपके ना, 29 यस 29। अब जरा आप लोग समझ गए होंगे कि आपके बीच में जो मंत्री हैं इन मंत्रियों की संख्या कितनी है। सन्नी, रोहित, सुमित, रवि, सबको मेरी तरफ से थैंक यू भाई, क्लास को आगे बढ़ाते जाएंगे। यहाँ मैंने पूछा कि आपसे वर्तमान में मंत्री कितने हैं, तो 47 प्लस आपके कितने भाई 2 प्लस आपके 29, 47 प्लस 2 प्लस 29, बहुत शानदार क्वेश्चन है। और अभी तो आप फंसे, अब गए जब मंत्रालय की बात आई, मैंने यहाँ पर पूछा आपसे, यहाँ पे एक क्वेश्चन और आपका बनता है कि मंत्री यानी कि मंत्रालय है तभी तो मंत्री है, और मंत्रालय है तभी मंत्री है, तो मंत्री प्रकार कितने होते हैं, कितने प्रकार के मंत्री होते हैं आपको पता है। कैबिनेट मंत्री होता है आपका, एक कैबिनेट मंत्री है, ठीक है, एक आपका होता है राज्य मंत्री, राज्य स्वतंत्र प्रभार मंत्री, स्वतंत्र प्रभार मंत्री होता है, और एक होता है आपका राज्य मंत्री, एक क्या होता है आपका राज्य मंत्री भाई, ये मंत्री हैं आपके तीन प्रकार के। यहाँ पर मैंने जो आपके बीच में दिया है आपको, तो कैबिनेट मंत्रियों की संख्या कितनी है वर्तमान में, बहुत शानदार क्वेश्चन है, आ सकता है सीटी के अंदर भी, दिल्ली पुलिस में भी पूछा जा सकता है, और आपका राज्य मंत्री भाई, राज्य मंत्री, राज्य स्वतंत्र प्रभार मंत्री की बात हो रही है, एक आपका राज्य मंत्री की बात हो रही है। चलिए बताइए शाबाश, मोनू लखेरा 29, प्रवीण राजपूत 3, 3 क्या है भाई मेरे मित्रों बताएंगे जरा, एक बार, तीन प्रकार के मंत्रालय हैं।
29 क्या है, 29 मंत्री किसकी बात कर रहा है, ये मुझे चाहिए भाई आप लोगों से। क्वेश्चन बड़ा शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अब जरा अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ये जो आपके मंत्री हैं राज्य और स्वतंत्र प्रभार मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्रियों की संख्या पूछे आपसे तो 29 है, ध्यान रखना इस क्वेश्चन का। कैबिनेट मंत्रियों की संख्या पूछे तो आपकी 29 है, वर्तमान में मोदी के मंत्रालय में मंत्रियों की संख्या पूछे तो आपका 78 है। और आपको पता है कि मंत्री कितने प्रतिशत लोग बन सकते हैं, भाई मेरे तो 15% लोग इसका लोकसभा की संख्या का, लोकसभा की संख्या वर्तमान में कितनी आपकी 543 जो संख्या है, इसका 15% लोग क्या बन सकते हैं आपके मंत्री बन सकते हैं, ठीक है। चलिए शाबाश, लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं क्लास को, क्यों झिल नहीं रही ना, हाँ मुझे पता है इस बात का, तो इतनी आसान नहीं है कि उज्जवल कोचिंग कैंपस की क्लास को इतनी जल्दी और इतनी अच्छे तरीके से आप लोग झेल जाए। चलिए बहुत बढ़िया भाई, फिर भी चलो आपकी मर्जी है, आपको अच्छा लगता है तो ठीक है, नहीं लगता तो ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा सकता है, ABH आपका एक प्रोग्राम है, क्या है एक बार क्लेम कर रहा हूं मैं, यहाँ पर देखिए आपसे पूछेगा कि जो आपका आयुष्मान भारत कार्यक्रम है इसके तहत संख्या कम नहीं होनी चाहिए भाई। चलिए शाबाश, संख्या को बढ़ाते रहेंगे, थोड़ा सा ना तकलीफ में रखते हो आप लोग तो थोड़ा सा मन टूट जाता है भाई, ठीक है। चलिए ABHBSC का संबंध पूछेगा आप लोगों से, किसका भाई, ABHBSC हो जाएगा आपका, HBCS हो जाएगा आपका, HBCS। ये क्या है, AB आयुष्मान भारत है आपका, क्या है भाई आपका, AB से क्या बन जाएगा आपका, आयुष्मान भारत बन जाएगा, हेल्थ और वेलनेस सेंटर स्कूल, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्कूल, आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्कूल की बात यहां पर कर रहा है। इसकी फुल फॉर्म पूछ लेगा, क्या रहेगा, आयुष्मान भारत आपका, आयुष्मान भारत हेल्थ आपका, क्या भाई आपका, हेल्थ वेलनेस सेंटर आपका, सेंटर स्कूल इसकी क्या रहेगी, फुल फॉर्म रहेगी, ये भी आपने ध्यान रखना, इसका भी संबंध इसी से। तो पहला क्वेश्चन था शानदार जानदार क्वेश्चन था, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर दो आपके बीच में जो कि चर्चा में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दो बहुत शानदार क्वेश्चन है, हिंडन नदी किस नदी की सहायक नदी है जो कि आपकी अभी फिलहाल चर्चा में है, हिंडन नदी ने भाई आंधी ला रखी है, बहुत शानदार क्वेश्चन आपके बीच में दोस्तों पूछा जा सकता है, आपके बीच में शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। ये जितेश जंगड़ा, कौन कौन लोग क्लास नहीं देख रहे हैं महेंद्रगढ़ से, एक बार मेरे को बताएगा जरा, एक बार कहाँ पे हैं वो लोग, एक बार उन्हें, विकास यादव, चलिए भाई ऋतिक बसी, सबको मेरी तरफ से थैंक यू। जितेश भाई मेरे को बता एक बार कौन क्लास के अंदर नहीं है, उनको बता दे, क्लास को मिस नहीं करेंगे किसी भी हालत में, नहीं तो सुबह फिर मिलूंगा मैं उनको बहुत सुंदर तरीके से, आ रहा हूं मैं, जान नहीं रहा हूं, यमुना सुपर एक्सीलेंट भाई, चर्चित विषय है आपका, किसकी बात हो रही है आपकी, ये आज के इस क्वेश्चन की बात हो रही है। तो जो हिंडन नदी है आपकी, सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं तो ये किसकी सहायक नदी है, तो इसका आंसर रहेगा यमुना नदी, किसकी नदी है, सहायक नदी। और इस यमुना नदी ने क्या ला रखी है भाई, आंधी ला रखी है, गाजियाबाद वाला कह सकते हो आप इलाका, ग्रेटर जो आपका ग्रेटर नोएडा है भाई आपका, नोएडा साथ में गौतम बुद्ध जो नगर है आपका, है ना, जो धूमधादरी वाला इलाका, NTPC है आपका, जो आपका ये यानी कि जो बिजली बनाने का संयंत्र है, ये सारे के सारे जो मैंने जगह लिखी है कहाँ पर आपकी, तो यूपी के अंदर है। और जो हिंडन नदी वो जिम्मेदार है यहाँ पर क्या लाने के लिए भाई, बाढ़ लाने के लिए जिम्मेदार है, भयंकर तरीके से बाढ़ लेकर क्या रखी आपकी, किसने, हिंडन नदी ने, ये आपने यहाँ पर ध्यान रखना है। आप लोगों से पूछा जा सकता है कि हिंडन नदी ने किस, सनीलता यादव, आलमगीरपुर हिंडन नदी, हाँ ठीक बोले मैं यार, चलिए शाबाश, सनीलता यादव यमुना नदी जवाब दिया भाई, बहुत बढ़िया, सारे हैं सर, बहुत अच्छी बात है, सारे तो नजर नहीं आ रहे मेरे को ना, नजर नहीं आ रहे, चलिए कोई बात नहीं भाई, एक बार चलते जाएंगे, जो नहीं है वो भाई उनका तो क्या इलाज क्या हो सकता है, मेरे पास है नहीं ज्यादा कुछ इलाज। चलिए अब यहाँ पर हमने बात करी किसकी सहायक नदी आपकी, आपकी तो ये आपकी गंगा यमुना नदी की सहायक नदी, हिंडन नदी का उद्गम स्थल भाई, उद्गम स्थल कौन सा है, चलिए शाबाश, जो नदी आज चर्चा में है, जिस प्रकार से अगर मैं बात करूं हरियाणा में भी एक नदी घग्गर नदी जिसने आंधी ला रखी है, हरियाणा में भी बाढ़ आई थी भाई, बाढ़ के हालात बने हैं, आपको पता है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के टेस्ट भी आपके कैंसिल हुए, कुछ और भी टेस्ट कैंसिल हुए इसी कारण से हुए थे। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं आप लोगों से, अगर आप लोगों से पूछा जा सकता है, देखिए ध्यान से सुनेंगे, गाजियाबाद में बाढ़ कौन लेकर जा रहा है, ग्रेटर नोएडा में आपका गौतम बुद्ध नगर की बात हो रही है, NTPC धूमधादरी, एक और स्थान आपका यहाँ पर बसता है कौन सा, धूम जो दादरी आपका, धूम दादरी या कहीं दिल्ली,
दिल्ली के आसपास वाले इलाके में बाढ़ के लिए जिम्मेदार आपकी हिंडन नदी। और हिंडन नदी कहां से निकलती है दोस्तों? तो शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। कहां से निकलती है अभी तक किसी मेरे बहन भाई ने जवाब दिया नहीं है। हिंडन नदी का उद्गम स्थल अगर पूछे तो सहारनपुर जिला, आपका शाकंभरी देवी की जो आपका सहारनपुर जिला। देखिए उद्गम स्थल की बात करते हैं तो आपका कहां पर है? आपका शिवालिक, शिवालिक की पहाड़ियां, शिवालिक की पहाड़ियां भाई, आपकी पहाड़ियां दूसरे नंबर की जो सबसे पुरानी पहाड़ियां है शिवालिक की पहाड़ियां। अगर शिवालिक की पहाड़ियों की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पुरानी दूसरे नंबर की, तो सबसे पहले नंबर की कौन सी आपकी? तो जो अरावली की पहाड़ियां हो सबसे पुरानी पहाड़ियां मानी जाती है, तो ये शिवालिक की पहाड़ियों के शाकंभरी, कहां पर भाई आपका? ये शाकंभरी जो आपका देवी, देवी की जो पहाड़ियां, शाकंभरी देवी की पहाड़ियों से ही आपका निकलती है। कहां से निकलती है? सहारनपुर जिले से निकलती है, ये ठीक है भाई आपका। तो शाकंभरी कहां पर लिखेंगे आप? शाकंभरी, शाकंभरी देवी की जो पहाड़ियां हैं इन पहाड़ियों से निकलती है और लगभग कितना बहती है ये आपका 400 किलोमीटर के करीब आपका ये बागपत भूपत इसके अंदर से बहती हुई मेरठ वगैरह को कवर करती है, 400 किलोमीटर बहती है। और ये उसके बाद कहां पर इसका विलय कहां पर होता है भाई? विलय अगर पूछा जाता तो ये दिल्ली मेरी जान, दिल्ली के पास इसका विलय होता है, ये आपने ध्यान रखना। किस नदी में? तो यमुना नदी में। इसलिए बोला जाता है कि यमुना नदी इसकी क्या है? सहायक नदी है। सहायक नदी यमुना नदी की सहायक नदी कौन सी आपकी? हिंडन नदी है। ये आप लोगों से पूछा जा सकता है, बेहतरीन क्वेश्चन है भाई यहां पर। चलिए अब यहां पर आप लोगों से पूछा जाए कि यमुना नदी, यमुना नदी की अगर हम बात करते हैं, बहुत शानदार क्वेश्चन यहाँ पे अगला आपका भी, यमुना नदी की बात करते हैं थोड़ी सी। तो यमुना नदी की अगर मैं बात करूं तो इसका पुराना नाम बताओ मुझे, यमुना नदी का मित्रों पुराना पुराना नाम क्या है? आपको बता देता हूं, देखिए पहले इसका जो जल था, इसका जो जल था ये साफ होता था। क्या साफ होता था? उसके बाद हल्का नीला हुआ, हल्का नीला हुआ, और उसके बाद क्या हुआ? इसका जल काला हुआ, काला हुआ। इसलिए इसे किस नाम से जाना जाता है, यानी कि इसके पुराने नाम की अगर हम बात करेंगे तो वो और भी शानदार क्वेश्चन रहेगा। लक्ष्मी वर्मा जय हिंद, जय हिंद भाई, सबको मेरी तरफ से जय हिंद है भाई, ठीक है। बट आप लोग क्लास के अंदर आइए, क्लास को शेयर करेंगे और आज का जो टारगेट है उस टारगेट को अचीव कराने की कोशिश करेंगे। आपका टारगेट है, मेरा कोई टारगेट नहीं है, ठीक है। कालिंदीजा आपका काली दंजा कहा जाता है इसे, साथ ही अगर मैं बात करूं काली गंगा और असीत, तीन चार नाम इसके देखिए। असीत, असीत भी कहा जाता है, असीत का मतलब क्या होता है? एक ऋषि थे, उनके नाम पर मैं बात करूं तो इसका नाम रखा गया असीत। एक क्या है आपका कालिंदजा, कालिंद जा के नाम से भी यमुना नदी को जाना जाता है। उद्गम स्थल की अगर बात करोगे, उद्गम स्थल कहां पर है इसका? तो यमुनोत्री, बंदरपुच की पहाड़ियां, बंदरपुच की जो चोटी है कि चोटी से आपकी ये यमुना नदी निकलती है। और ये कहां पर खत्म, इसका विलय कहां पर होती है? ये खुद यमुना किसकी सहायक नदी है? तो गंगा, गंगा जो जलतंत्र है गंगा नदी की क्या है? आपकी सहायक नदी है। और कहां पर आपका भाई ये, अगर इसके अगर हम बात करते तो कहां पर विलय होता है? इलाहाबाद, इलाहाबाद के अंदर, यानी कि प्रयागराज के नाम से आजकल इसको जाना जाता है। प्रयागराज में वही क्या होता है? इसका विलय होता है। गंगा यमुना सरस्वती जो त्रिवेणी जो आपकी बनती है वहां पर इसका विलय होता है। कालिंदी है, बिल्कुल कालिंदा जा भी कहते हैं, कालिंदी भी कहते हैं। बहुत बढ़िया भाई, आप इसको समझ सकते हैं। और एक ऋषि थे, उनके नाम पर इनको आसित भी कहा जाता है। ये भी आप लोगों ने इसका विशेष तौर पे ध्यान रखना, पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए ये आपकी जो मैं बात करूं यमुना नदी की सहायक नदी, इसने ये जो यमुना नदी आपकी हिमाचल प्रदेश यमुना नदी की बात करते तो हरियाणा उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के अंदर आपका ये थोड़ा सा हरियाणा में भी बहती है। यहाँ एक आपका क्वेश्चन बन सकता है सीटी के अंदर कि हरियाणा में ये कितना क्षेत्र को कवर करती है, ये आपने ध्यान रखना है। चलिए भैया आगे बात करते हैं, यमुना नदी का लास्ट क्वेश्चन में लेके चलो। अगर आप लोगों से पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी नदी है जिसे जीवित व्यक्ति के बराबर, जीवित जीवित व्यक्ति के बराबर, व्यक्ति के बराबर दर्जा दिया गया है, ये रिपीटेशन में क्वेश्चन है, तो 2017 में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने, कौन से हाईकोर्ट ने आपके? उत्तराखंड हाईकोर्ट ने गंगा और यमुना दोनों नदियों को भाई मेरे जीवित व्यक्ति के बराबर दर्जा दिया है, ये आपने ध्यान रखना। हरियाणा में 320 किलोमीटर ये, अच्छा कालिंदजा है, ये कालिंदी है, कौन सा सही? दोनों तीनों नामों से इसको पुकारा जाता है दोस्त अंकुश, जय हिंद भाई, दोनों तीनों नामों से पुकारा जाता है इसको, भालोटिया डाउट नहीं करना है, ठीक है। चलो भाई आगे बात करते हैं, कोशी नदी, कोशी नदी की अगर हम बात करते हैं तो बिहार में,
कहां पर आपका, बिहार में बाढ़ लाने के लिए, बाढ़ लाने के लिए आपकी कौन सी सहायक, कौन सी नदी जिम्मेवार होती है, कोशी नदी। इसीलिए बिहार का शोक के नाम से किसको जाना जाता है, तो कोशी नदी को जाना जाता है। नर्मदा नदी आपकी, नर्मदा नदी भी आपकी दक्षिण भारत की आसपास या मध्य भारत से कह सकते हैं हम, इसका भी संबंध है, नर्मदा नदी का भी आपने ध्यान रखना है। तो फिर हरियाणा के शोक के नाम से किस नदी को जाना जाता है, असम के अंदर बाढ़ लाने के लिए कौन सी नदी आपकी जिम्मेवार होती है, तो असम के अंदर अगर मैं बात करता हूं तो ध्यान रखना असम में बाढ़ कौन सी नदी लेकर के आती है आपकी, तो भाई ये है आपकी, अगर असम की बाढ़ की बात करेंगे दोस्तों, देखिए हर क्वेश्चन दम रखता है, हर क्वेश्चन ये दावेदारी करता है। जो लोग नए हैं पर्दे के पीछे, जो क्लास को देख रहे हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो क्लास को एक बार शेयर जरूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। कुछ दिन से, पिछले 2-3 दिन से चैनल के सब्सक्राइब नहीं बढ़ रहे हैं भाई, किस वजह से नहीं बढ़ रहे हैं, एक बार आप थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे। असम की अगर मैं बात करूं तो आपको पता ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मपुत्र जो नदी है ये असम के अंदर बाढ़ लाती है, ये आपका भारत के पैरेलल बहती है, भारत के पैरेलल बहती है और नामचा बरवा पर्वत से टकरा करके अरुणाचल प्रदेश, कहां से, अरुण के आचल में बसा प्रदेश से टकरा करके असम के अंदर आपकी आती है और अपने साथ भारी मात्रा में अवसाद लेकर के आती है। पानी अत्यधिक होने के कारण ये पानी को वहन नहीं कर सकती है और उसके बाद बाढ़ आती है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये था आपका ब्रह्मपुत्र नदी, यमुना, गंगा, सारी नदियों का मैंने यहां पर जिक्र कर दिया एज पर कोशीवाल भाई, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय JJM डिजिटल अकेडमी लॉन्च करने जा रहा है, क्या बात है भैया ना, क्योंकि सावन का महीना पानी की बहार है, तो बस आप आंसर इसका समझ गए होंगे दोस्तों। बहुत शानदार क्वेश्चन है ये भी आपके बीच में कि JJM डिजिटल अकेडमी जो लॉन्च करने जा रहा है किसके द्वारा किया गया है, आपसे पूछा जा सकता है, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। जल मंत्री कौन आपके, गजेंद्र सिंह, जल मंत्री कौन आपके, जल शक्ति गजेंद्र सिंह शेखावत ने। अभी हाल ही में 2 दिवसीय प्रोग्राम की बात करें, जल शक्ति मंत्रालय आपका कौन सा मंत्रालय, तो JJM डिजिटल अकेडमी की अगर बात करता तो आपका जल शक्ति मंत्री, और मंत्री कौन आपके, गजेंद्र सिंह जो शेखावत साहब है ये मंत्री है, ये आपने ध्यान रखना है। शिक्षा मंत्रालय की अगर हम बात करते हैं तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारत के पहले शिक्षा मंत्री और साथ में वर्तमान शिक्षा मंत्री आपको पता होना चाहिए। रक्षा मंत्रालय की अगर हम बात करते हैं तो ये आपको पता लखनऊ वाले रहसे राक्षस, रहसे राजनाथ सिंह, रहसे रक्षा, ये बहुत बार बात आती है आपके बीच में भी, ठीक है। चलो शाबाश, एक बार क्लास को थोड़ा थोड़ा शेयर करते रहेंगे, क्लास को आगे बढ़ाते रहेंगे और कुछ समय के लिए आप अपनी क्लास को अपने स्टेटस वगैरह पे लगा सकते हैं। तो गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा 2 दिवसीय कार्यक्रम रहा आपका, कहां पर, दिल्ली मेरी जान, दिल्ली में रहा, दिल्ली में मत चले जाना, बाढ़ आई हुई है दिल्ली के अंदर भी भाई, ठीक है। दिल्ली में भी 2 दिवसीय प्रोग्राम, 2 दिवसीय प्रोग्राम रहा, ये जो 2 दिवस कहां पर, विज्ञान भवन, कहां पर रहा भाई, विज्ञान भवन में ये कार्यक्रम आपका आयोजन रहा, ये भी आपने यहां पर ध्यान रखना है। तो आपकी जो अकेडमी है JJM डिजिटल अकेडमी, यहां जब अकेडमी की बात चल रही है दोस्तों, तो हम बात करें यहां पर विश्व की पहली अकेडमी यानी कि दुनिया की पहली अकेडमी कौन सी थी, तो द अकेडमी के नाम से एक अकेडमी थी, कहां पर थी आपकी, ये एथेंस यूनान के अंदर एक अकेडमी थी, और ये आपका किसके लिए, द रिपब्लिक जो आपकी बुक है इसको देखिए। अगर भाई आप लोग मेरे साथ नहीं चल सकते हैं स्पीड में, तो आप ये समझ के चलना कि आप ढंग से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। अगर आप मेरे साथ चलने की कोशिश कर रहे हैं, वो किसी ने बोला है जय हिंद भाई, जय हिंद, ये गोल्डी गुरु, अच्छा ओके, हमारी रीजनिंग वाली गुड़िया आ गई है, हमारी रीजनिंग वाली है ना गोल्डी गुरु, अरे ये तो पीके सर है ना, सर पीके सर वेलकम है आपका, हमेशा पीके ही तैयार रहते हैं ना, पीके सर तैयार रहते हैं, चलो कोई बात नहीं सर। तो द रिपब्लिक बुक को समझने के लिए, दुनिया की पहली अकेडमी द एथेंस यूनान के अंदर इसकी स्थापना की गई थी, और ये केवल एक बुक को पढ़ने के लिए। यहां तुमसे पूछा जाता कि द रिपब्लिक जो बुक है आपकी, ये बुक किसकी रचना है, रचना की बात करोगे तो आपको बता दूं सुकरात के जो शिष्य थे वो कौन से थे, सुकरात के शिष्य आपके प्लूटो जो शिष्य थे, प्लूटो की रचना थी। इसके अंदर विचार अगर पूछे जाते हैं तो किसके विचार थे, सुकरात जो दुनिया के पहले फिलोसफर, फर्स्ट फिलोसफर ऑफ वर्ल्ड दुनिया के पहले फिलोसफर रहे हैं, ये आपने ध्यान रखना कौन, सुकरात, और इनकी थोड़े क्योंकि खुद अनपढ़ थे इसलिए इन्होंने खुद ने ये बुक लिखी नहीं है, ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो लिखे किसने, प्लूटो ने, जिन्होंने एक बात बोली थी बहुत शानदार, लव इज सीरियस डिजीज, प्यार एक खतरनाक बीमारी है,
कितनी खतरनाक बीमारी है, तो ये आपकी एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम से भी आगे जा सकती है, लॉस एंजेलिस ले जाएगी तुम्हारे को। अब लॉस एंजेलिस बोलते ही समझ गए होंगे कि दुनिया की पहला जो मरीज मिला था एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम का एड्स का मरीज कहां पर, लॉस एंजेलिस, ये भी अपने ध्यान रखना है। मोनो लगेरा, तो ये बात बेटा तेरे पे भी लागू है प्यारे, खतरनाक बीमारी है, तू ये मत सोचना कि तू प्यार करेगा तो तेरे लिए बीमारी नहीं है, ये सबके लिए बात है ना, तो समझ जा मेरे मित्र। चलिए अगला क्वेश्चन आपके बीच में, बहुत शानदार क्वेश्चन है, मार्केट एक्सेस है आपका इंटीग्रेटेड MAI योजना किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है, तो मंत्रालय के क्वेश्चन बहुत फंसे हुए भाई है ना, तो मार्केट एक्सेस की बात हो रही है, इनिशिएटिव MAI योजना किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है, तो चलो शायद इस्पात मंत्रालय ये नहीं हो सकता भाई, ठीक है ओके, गृह मंत्रालय हाँ ये हो सकता है, गृह मंत्रालय के मंत्री कौन है, मोटा भाई बोले तो आप समझ रहे हैं सहकारिता जो मंत्री हैं, सहकारिता मंत्री कौन है आपके, तो ये अमित शाह हैं, गृह मंत्री भी और सहकारिता मंत्रालय भी। हाल ही में इन्होंने एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन है जिसको मैंने 2-3 बार आज मैंने क्लास डाली थी छोटी सी, आप लोगों ने उस क्लास को भी ढंग से नहीं देखा, क्लास डाली थी मैंने शहीदों के ऊपर आपका कारगिल वार के ऊपर डाली थी भाई, सर मैं तो बहुत दूर हूँ, बहुत बहुत बढ़िया रहेगा जितना दूर रहेगा भाई मेरे, ठीक है मुझे मत बता मैं बहुत दूर हूं क्योंकि मैं तुम्हारी नस नस से वाकिफ हूं, ठीक है जेरोक्स करता हूं मेरे प्यारे मित्र। चलिए बहुत अच्छी बात है, तू बहुत दूर है मुझे पता है, सफाई मत दे, सफाई देगा तो डाउट हो जाएगा, इसलिए डाउट नहीं होने देना है, सफाई देनी ही नहीं है, ठीक है और किसी ने सफाई क्यों नहीं दी। चलिए यहां पर हम बात कर रहे हैं किसे, तो कितना क्या बोल रहा, देख ला सर मैं तो दूर हूं, अरे भाई पापा से प्रेम कर सकते हैं, मम्मी से प्रेम कर सकते हैं, तुम कहां एक ही बात को वही लेके जा रहे हो ना, मारो कहीं पुराने टाइपराइटर की तरह जाओगे वहीं जहां तुमने जाना है, ठीक है। अमित शाह की बात करते हैं, तो अमित शाह ने एक बलिदान स्तंभ बनाया था भाई, कौन सा आपका बलिदान स्तंभ की स्थापना कहां पर करी थी, तो ये आपका J&K में करी थी, ये ध्यान रखना अमित शाह से। एक अमित शाह की अगर मैं बात करता हूं तो एक वाइब्रेंट प्रोग्राम किया था कहां पर, अरुणाचल किबिथू गांव में, आपसे पूछा जा सकता कि वाइब्रेंट विलेज जो आपका था किबिथू, और थोड़ी देर पहले मैंने एक नाम लिया था अरुण के आंचल में बसा प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश का और भारत का पूर्वोत्तर पॉइंट आपका किबिथू, तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम आपका वहीं से। चलिए भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद रवि, मनोज सर, जय हिंद, मोनू, सचिन यादव, प्रियंका, सनेलता, ऋतिक, जितेश, बहुत बहुत धन्यवाद भाई आप लोगों का सबका, ठीक है। चलिए शाबाश, एक बार क्लास को शेयर करते रहेंगे। हाँ यहाँ पर ये आंसर नहीं है गृह मंत्रालय, ध्यान रखना आंसर है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, तो जो आपका मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव जो MAI की जो स्थापना या योजना जो आपका केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है ये किसकी द्वारा की गई है, तो ये आपका यही है खुशबू, जय हिंद भाई, सबको मेरी तरफ से जय हिंद है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आपके बीच में है भाई, क्वेश्चन नंबर 5, चलिए बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, भारत का तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का अनुमान कब तक का है। चलिए शाबाश इसका आंसर देंगे मुझे एक बार, संख्या तो बहुत कम है बट कोई बात नहीं चलेगी भैया ना, संख्या बहुत कम है बट मुझे बता सकते हैं कि सर ये कब तक बनने वाली है, बहुत बढ़िया और शानदार क्वेश्चन आपके बीच में यहाँ पे है दोस्तों आपके बीच में, और ये क्वेश्चन दावा करता है कि मैं 2023 में ड्रेस पहनाने की हिम्मत रखता हूँ, ये क्वेश्चन अपने आप में क्या बोलता है कि मैं ड्रेस पहनाने की हिम्मत रखता हूँ, ये आपने ध्यान रखना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका आज की क्लास का, भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कब तक बन जाएगा है ना, कब तक बन जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता, अभी ज्योति यादव थैंक यू गुड़िया, जय हिंद ऑप्शन सी बोल रहा मेरे भाई मनोज सर, सी ऑप्शन नहीं है सर, ये रॉन्ग है, 2030 नहीं है, ठीक है ओके। FY का मतलब क्या होता है पहले तो ये बताओ मुझे, FY का मतलब बताएगा कोई मेरा भाई, क्योंकि पढ़ेंगे तभी पता लगेगा, FY का मतलब होता है फाइनेंशियल ईयर, और फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक होती है, जैसे जनवरी फरवरी, अरे जो पुरानी ईयर नहीं होती है, चैत वैशाख साढ़ सावन भादो है ना, एक बार बोल के देखना जरा पता है कि आपको अपनी संस्कृति के बारे में है ना, अगर मन में ईमानदारी से अगर कोई 12 के 12 मंथ अगर बता देगा साठ सावन भादो जेठ वैसाख, तो मेरे से ना प्राइज ले लेगा, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं, प्राइज ले लेगा, ए कड़े इस कर रखे मोनू लखेरा सर, ए सने लता बिल्कुल सही बात है फाइनेंशियल ईयर भाई, और ये लड़का बिल्कुल सही बोल रहा है मोनू मेरा भाई, 2028 तक, और वर्तमान में अगर हम बात करते हैं वर्तमान में हमने किसको पीछे छोड़ा, यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़ा और भी बहुत सारी अर्थव्यवस्थाओं को पीछे छोड़ते हुए 5वें नंबर पर पहुंचे हैं
आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, कल मैं एक लेक्चर सुन रहा था, किसका लेक्चर सुन रहा था, तो लेक्चर आजकल देने लायक एक ही बंदा तो बचा देश के अंदर, और वही तो लेक्चर दे रहा है, उसी के लेक्चर काबू में आ जाए तो बहुत है। तो वो कौन है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब है। प्रधानमंत्री मोदी साहब इन्होंने ये बोल रहे थे कि भाई 2014 में मित्रों, 10 वर्ष पहले 2014 में हम कौन से नंबर पर थे, तो 10वें नंबर पर थे, और इस 10 साल में हम पहुंच गए कौन से नंबर पर, 5वें नंबर पर पहुंच गए हैं, और मुझे मौका दो 2024 में मैं तुम्हें तीसरे नंबर पर ले जाऊंगा, ये कमेंटमेंट वो कर रहे हैं। तो वही क्वेश्चन आपके बीच में आ गया दोस्तों, ये अभी हाल ही में किसका, SBI का रिसर्च है, ये मेरा नहीं है, मोदी साहब का नहीं है, सट्टे में बात नहीं हो रही है, और वो कल बोल भी रहे थे कि भाई मैं सट्टा नहीं मार रहा हूं, मैं आकलन कर रहा हूं, जो रिसर्च हो रही है आपकी, ये रिसर्च हो रही है वित्तीय वर्ष, बिल्कुल सही बात है भाई आपका, SBI की जो रिसर्च है उसके अनुसार भारत आपका तीसरी वर्ल्ड, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहा है। कब बन रहा है भाई, आपका फाइनेंशियल ईयर 2028 में। बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है और गर्व करने वाला क्वेश्चन है। एक समय वो था, एक समय कौन सा था, 1947 में, क्या चाहिए भाई हमें, रोटी कपड़ा और मकान चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। एक समय वो था और एक समय आज है, हम दुनिया को रोटी कपड़ा और मकान देने की बात करते हैं भाई, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छे पढ़ रहे हैं आप लोग। चलो फिर जरा कुछ हो जाए तूफानी, 2070 के अंदर क्या होने वाला है ये आपको बता दूं। तो भारत ने लक्ष्य रखा है, क्या लक्ष्य रखा है भारत ने 2070 में, क्या करेगा भारत मेरे भाई, ये लक्ष्य भारत का है। अब आपको बता दूं, यहां पर ध्यान से सुनेंगे आप लोग, आपकी जैसे ये क्या आपकी पृथ्वी है, पृथ्वी गोल है, ये धीरे धीरे ना धीरे धीरे इसके आकार में बदलाव हो रहा है, आपको बता देता हूँ। अरे हाँ, एक रूस के अंदर एक बहुत बड़ा क्रिएटर, एक बहुत बड़ा गड्ढा भी जलवायु परिवर्तन की वजह से हो रहा है, वो क्वेश्चन अलग लेकर के आऊंगा मैं आपको कराऊंगा, उस क्वेश्चन के ऊपर भी बात करेंगे। यस, कार्बन मुक्त, 0% कार्बन मुक्त रहेगा, यानी 0% कार्बन, 0% कार्बन की उपस्थिति, यानी कि कार्बन उपस्थित होगा ही नहीं, या कार्बन मुक्त भारत का लक्ष्य रखा। कब आपका 2070 के अंदर रखा, एक ही शब्द आ रहा का फाइनेंशियल ईयर 2024। तो यहां हम अगर 2024 की बात करते हैं, तो 2024 में क्या लक्ष्य रखा है, 2024 का जल्दी मुझे लक्ष्य बताएंगे नोट करके कि सर ये 2024 का लक्ष्य है। बहुत शानदार क्वेश्चन आपका इसमें, बट एक जोड़ना पड़ेगा भाई आपको ना, अगर 2024 की बात करते हैं तो यहाँ पे 25 ले लो आप, 2025 में क्या भाई आपका, तो टीबी मुक्त भारत है, टीबी मुक्त भारत आपका कब 2025 का लक्ष्य रखा, ये भी आपने ध्यान रखना। अब बात आती बड़ी शानदार सर 2030, इसको मैं एक बार रफ कर देता हूं और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 2030 में भारत का क्या लक्ष्य है, यहां मैं भारत के लक्ष्य बताऊं 2030 के, तो नाइंसाफी हो जाएगी किसके साथ है? आपको पता है दुनिया के क्षेत्र किसने, 193 क्षेत्र, यानी कि अगर मैं बात करूं संयुक्त राष्ट्र सभा, टीबी मुक्त भारत, बहुत बढ़िया भाई, मलेरिया 2030, मलेरिया, मलेरिया कौन से प्रोटोजोवा से फैलता है ना, मलेरिया वाहक अलग है, आपका प्रोटोजोवा अलग है, मधु ही है ना, हाँ चलिए भाई बहुत बढ़िया मनोज सर, थैंक यू। 2030 के अंदर अगर हम लक्ष्य की बात करेंगे, ध्यान से सुनेंगे, ये क्वेश्चन दावेदारी करता है, इंपोर्टेंट बता के जाऊंगा, यहाँ ध्यान रखना। 193 देशों ने कब आपका 2015 के अंदर एक बैठक करी, संयुक्त राष्ट्र महासभा की एक बैठक हुई, किसकी भाई, संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक हुई, उसके अंदर 193 देशों ने क्या लिया, भाग लिया, और यहां पर 17 गोल निर्धारित किए गए, 17 लक्ष्य रखे गए, जिन्हें बोला जाता है SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, या सतत विकास बोला जाता है, ये आपने मैंने ध्यान रखना है आपका, सतत विकास, सस्टेनेबल आपका डेवलपमेंट गोल की यहां पर बात हुई। पहला क्वेश्चन कि कब इन्हें अपनाया गया, ये संयुक्त राष्ट्र महासभा कब होती है, तो आपकी भाई फिजिक्स गुरु जहिन सर बड़े दिनों बाद देख रहे हैं, आपकी आंखें ठीक हो गई क्या सर, अगर आपकी आंखें ठीक होगी तो हमारे बच्चे CET वाले बड़ा वेट कर रहे हैं, कोई क्लास जनरल साइंस की देके जाइए सर, रिक्वेस्ट है आपसे। और कब आ रहे हैं आप चंडीगढ़ से, आप तो CM ऑफिस के अंदर ही बैठ गए, थोड़ा सा जड़े हिलाओ सर वहां से, हमारे बच्चे वेट कर रहे हैं आपका। फिजिक्स गुरु आप सुन पा रहे हैं मेरे को, तो एक बार ओके देंगे,
ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की अगर मैं बात करता हूं, सतत विकास कार्यक्रम की अगर हम बात करते हैं, तो ये कार्यक्रम आपका भाई कब 2015 में बैठक हुई संयुक्त राष्ट्र महासभा, और संयुक्त राष्ट्र महासभा में इसको अपनाया गया। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं रहेगा, क्वेश्चन ये रहेगा कि ये जो सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट गोल है आपके, ये कब से इनकी बात हुई कि भाई ये तब से माने जाएंगे, ये प्रोग्राम कब से? तो 1 जनवरी 2016 से आपका, 1 जनवरी 2016 से और आपका 2030 तक के ये गोल रखे गए। 17 गोलों का निर्धारण किया गया और सभी देशों के गोल है, ना कि केवल अकेले भारत के। तो SDG अगर आप लोगों से पूछे तो ये भी ध्यान रखना। आ चुका हूं सर, अभी अकेडमी के आगे से ही निकला हूं। चलिए कोई बात नहीं सर, वो मैं आप झूठ कितना बोले, मैं कैमरे चेक कर लूंगा मेरे फोन में थोड़ी देर बाद। बाकी वेलकम है सर, वेलकम इन यूजुअल कोचिंग कैंपस, हमें आपका इंतजार रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया भाई आपका 193 देश 2023, और साथ ही अगर हम बात करते हैं 2024 की, तो 24 एक, हाँ एक आपका हर घर जल का भी लक्ष्य है। हर घर जल का लक्ष्य कब तक का भाई मेरे? तो 2023 तक का लक्ष्य है, स्वच्छ जल टैब के द्वारा। और टैब से मुझे बात आती है कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसने बोला कि एक पेड़ एक नल का और एक पेड़, यानी कि आप एक कनेक्शन लेंगे तो हम आपको एक वन टैप वन पेड़ की योजना किसके द्वारा शुरू करी गई है? तो यूपी के अंदर की गई है। आप एक नल का कनेक्शन लेंगे तो आपको एक पेड़ लगाना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके बीच में, जो कि शानदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 रहने वाला आज का, और जो हो जाएगा फिक्स आपके एग्जाम के लिए, हो ही चुका है 5वां। बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई, और इस क्वेश्चन के साथ मैं कम से कम आपको पता है, ये तो क्वेश्चन मेरी चॉइस का फंस गया, मेरी चॉइस का नहीं फंस गया, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन फंस गया आपका भाई, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और इसके साथ कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं स्वाहा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन रिपीटेशन में नहीं, कुछ क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे लगने वाले हैं, कुछ आपको बहुत खराब लगने वाले हैं। चलिए बात कर लेते हैं फिर, ठीक है सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओके, अब जरा देखो, ठीक है, क्योंकि मेरा हाथ रुक गया था ना, तुम्हारे कमेंट्स कभी कभी पढ़ने पड़ते हैं, चलो मैं ले लेता हूँ, आगा मेरे को आदत पड़ेगी, एक हाथ में रहेगा, ठीक है, नहीं रखूंगा मैं इसको, है ना, समझ से बाहर बात है। पीएम मोदी ने हाल ही में पीएम मोदी साहब चर्चा में, राजकोट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, है ना, राजकोट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया, किसके द्वारा किया गया? तो फिर मोदी ने ही किया था, एक क्वेश्चन ही कुछ थोड़ा सा एक्चुअली ये था कि ये यहां से था, राजकोट अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? आंसर पहले ही लिखा मैं, पीएम मोदी ने हाल ही में, यहां तक हुआ पीएम मोदी ने। तो चलिए इसके अगर हम बात करते तो अभी हाल ही में आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो आपका ये वाला जो पोर्शन है, ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, उद्घाटन किसने किया है, उद्घाटन की बात करें तो बताया कि बनेगा तो आपका राजकोट में, तो पीएम के द्वारा, किसके द्वारा? पीएम के द्वारा। और राजकोट की अगर हम बात करते तो ये कहां पर आपका? गुजरात के अंदर है, ध्यान रखना, कहां पर आपका? गुजरात के अंदर है, गुजरात वही आपका, ठीक है। गुजरात की राजधानी क्या है? बहुत सारी चीजें बताने को है, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन पे बात करूंगा, क्योंकि लिखा मैंने तो वो आपके बीच में रहेगी। सबसे पहले बात करें, प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया, ठीक है, किसका? अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। एक हवाई अड्डा ऐसा भी है, कौन सा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है जिसका नाम शहीद भगत सिंह घबरा जा तेरा बंद मकान में, है ना। तो शहीद भगत सिंह की अगर हम बात करते हैं तो भगत सिंह के नाम पर इस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम रखा। और वो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका कहां पर है? तो दोस्तों वो वहां पर है जो लाहौर के ऑप्शन में हमने एक नगर बसाया था, लाहौर की अगर हम बात करेंगे तो लाहौर कहां पर है? तो आजकल कमीना पाकिस्तान इसको रख रहा है, चलिए लेकिन है हमारा ही लाहौर, बहुत ध्यान से सुनना, ये हमारा ही पास आने वाला कुछ दिन बाद, है ना, तो वो तो विखंडित होने वाला है, ये आपने ध्यान रखना, ठीक है। प्रधानमंत्री बहुत बढ़िया भाई, मनोज कुमार यूपी, सनीलता चंडीगढ़ यूपी नहीं है मनोज सर, चंडीगढ़ है। शहीद भगत सिंह आपका कहां पर है? वो आपका राजा रामचंद्र एयरपोर्ट है, चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट आपका, एक कुशीनगर के अंदर आपका एयरपोर्ट है, चौधरी चरण सिंह हो गया, एक आपका जेवर एयरपोर्ट है। आपसे अगर ये पूछा जाए कि सबसे ज्यादा 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखने वाला कौन है, तो वो कह सकते हो आप यूपी। आपसे पूछा जा सकता है, मनोज सर का क्वेश्चन का जवाब है सर यूपी में 5 अंतरराष्ट्रीय आपके क्या है, हवाई अड्डे हैं, ध्यान रखना, एक रामचंद्र भगवान आपका, साथ में मैंने बात करी चौधरी चरण सिंह लखनऊ के अंदर है, एक आपका कहां पर आपका जेवर एयरपोर्ट जो हरियाणा से भी कनेक्ट हो चुका है, ये आपने इसका विशेष तौर पर ध्यान रखना है। और उस मेरे वाले क्वेश्चन का आंसर सही है, कोठी तेरी बनवा दूं मैं चंडीगढ़ शहर में झूरी, है ना, चंडीगढ़ के अंदर आपका जो है ये आपने ध्यान रखना है। अब बात आती है सर
प्रधानमंत्री की व्यवस्था भारतीय संविधान में कहां पर की गई है, तो भाग नंबर पांच, वही भाग नंबर पांच रिपीटेशन में क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे आपका 74 और 75 के अंदर की गई है, ये आपने ध्यान रखना प्रधानमंत्री की व्यवस्था, ठीक है। ओके, प्रधानमंत्री अभी फिलहाल चर्चा में है क्योंकि इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आपका आ चुका है, ध्यान रखना दोस्तों, और इस पर बहस होने वाली है। क्या होगा, क्या मोदी साहब की सरकार जाएगी, क्या मोदी साहब सरकार बचा पाएंगे, ये सारी चीजें आपके बीच में आने वाली है। थैंक यू सचिन यादव, ऋतिक भाई, जितेश भाई, स्नेहलता गुड़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, रवि कुमार, बहुत बढ़िया भाई, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम बात कर ही रहे हैं इनकी, तो आपका पीएम हो गया आपका, साथ में राष्ट्रपति साहब की अगर मैं बात करूं तो द्रौपदी मुर्मू, चलो यहाँ मुझे क्वेश्चन बताएंगे कि जो द्रौपदी जो मुर्मू है, मुर्मू ये किस जनजाति से है, ये जनजाति आपको एक नंबर दिवा के जाएगी, संथाल जनजाति, संथाल जनजाति से इनका संबंध है, और कहां से, झारखंड, झारखंड से इनका संबंध है, ये आपने ध्यान रखना है, आपसे पूछा जा सकता है। जिस महिला का पति खत्म हो जाए, जिस महिला का लड़का खत्म हो जाए, जिस महिला के माता पिता खत्म हो जाए और फिर वो राष्ट्रपति का पद तक पहुंचे जिंदा रहते हुए, तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, तो ये वो महिला है जो बहुत सशक्त है, मजबूत है अंदर से, तभी तो आज भारत की राष्ट्रपति है। भारत के संविधान के भाग नंबर पांच में भी 52 से लेकर के आपका 62 तक कह सकते हो, 52 से 62 तक एक्ट के अंदर क्या किया गया है, इनकी व्यवस्था की गई है, ध्यान रखना। इनके तीन बड़े प्रसिद्ध एक्ट हैं, 352 है, 356 है, 360 है, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। आपातकाल लगा सकते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल आपका 352, राज्य आपातकाल 356। हाँ, यहाँ पर एक क्वेश्चन उठा था और एक मेरे बड़े परम स्टूडेंट है, बड़े मित्र, अच्छे मित्र टाइप के स्टूडेंट है, उन्होंने बताया सर आपने ना थोड़ा सा कुछ कंफ्यूज में कर दिया। मैंने क्या कंफ्यूज किया दोस्तों, तो सबसे ज्यादा बार, सबसे ज्यादा बार की बात हुई कि सबसे ज्यादा बार राज्य आपातकाल कहां पर लगा, तो मैंने बताया था यूपी भाई, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके बीच में आ सकता है। क्या बताया था मैंने, यूपी बताया था, ध्यान रखना, मार्कर अगर हाथ से छूट रहा है तो क्वेश्चन बनेगा, यूपी बताया था मैंने। तो साथ में यहां पर बात ये थी कि सर हमें मणिपुर पढ़ाया गया, मणिपुर में 8+2 यानी कि लगा तो 10 बार ही है, ज्यादा बार नहीं, लेकिन हमें बताया गया है कि मणिपुर सबसे ज्यादा है, और अगर हम नेट पे ढूंढ देखते हैं तो मणिपुर ही दिखाता, बाकी मैं इस क्वेश्चन के पीछे पड़ा हुआ हूं कि कहीं ना कहीं ऐसा कुछ तथ्य मिले, हमें पता लगे कि ये 10 यूपी में है या मणिपुर, अगर मणिपुर में 10 थे तो मणिपुर ही पहले क्यों दिखाया जाता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा बार जो आपके आपातकाल आपका 356 के तहत, उनकी भी बात हम यहाँ पर करने वाले। चलिए मैं एक बार के पीछे हूं, इसके मेरे को तथ्य नहीं मिले हैं, जब तक मेरे को सोर्स नहीं मिलेंगे तब तक मैं बात नहीं करूंगा। उसके बाद गृह मंत्री की अगर हम बात करते हैं तो देश के पहले गृह मंत्री कौन थे, पहला क्वेश्चन, वर्तमान में कमजोर सा व्यक्ति है। रक्षा मंत्री की बात करें तो बलदेव सिंह, देश के पहले बलदेव सिंह थे रक्षा मंत्री, आप लोगों को ध्यान रखना है। और इससे अभी वर्तमान में कौन आपके, तो राजनाथ सिंह से पहले कौन थे आपकी, तो निर्मला सीतारमण। और ये जो लेडी है निर्मला सीतारमण, ये भाई भारत की पहली, आपकी अगर मैं बात करूं तो पहली महिला रक्षा मंत्री, पूर्णकालिक रक्षा मंत्री कौन रही आपकी, यही रहे लक्ष्मी वर्मा। थैंक यू गुड़िया, बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका, जिस प्रकार से आप मुझे मोटिवेशन देते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके बीच में है, खैर मैंने थोड़ा शॉर्ट कर दिया इसको, नहीं बताया मैंने 30-35 क्वेश्चन, बट जितना आज पर पॉसिबल था बताने की कोशिश करिए। पटेल विभव भाई पटेल, विभव वल्लभ भाई पटेल, क्या लिखना चाह रहे हैं आप, ठीक है, हाँ विभल, अच्छा ठीक है, जो वल्लभ भाई पटेल, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप वल्लभ भाई पटेल। ओके, अब बात आती है, हाँ बोल गई गुड़िया ना, पटेल साहब, देश का अगर मैं आप लोगों से पूछूं, देश का बहुत शानदार क्वेश्चन है, और एक बार जोरदार तरीके से थम्स अप करो, उसके बाद ₹5 का क्वेश्चन आप लोगों के बीच में भेज दिया जाएगा भाई, ₹5 अभी भेज दूंगा, एक बार थम्स अप करो, फिर बात होगी क्वेश्चन के ऊपर, शानदार क्वेश्चन आपको देके चलूंगा, बहुत तगड़ा क्वेश्चन निकल के आएगा दिमाग से भाई। सचिन यादव, स्नेहलता यादव, दो लोग दिखाई दे रहे मेरे को, चलिए शाबाश, केवल दो लोग अगला में, बाकी 10 क्या भांग खा रहे क्या। प्रवीण राजपूत, क्या बात है, जितेश जांगड़ा, बहुत बढ़िया। चलिए मैं क्वेश्चन रख देता हूं, देश के पहले उप प्रधानमंत्री भाई, पहले डिप्टी आपके पीएम, चलिए शाबाश, जोरदार तरीके का क्वेश्चन है, देश के पहले डिप्टी पीएम कौन है, प्रदीप कुमार भाई, वेलकम है भाई आपका, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बिल्कुल सलेश मेरा, लेकिन क्वेश्चन मुन्ना मेरा ये है नहीं, तुम्हें क्वेश्चन के पास लाया गया है। प्रदीप कुमार, प्रदीप सर वेलकम आपका उज्जवल कोचिंग कैंपस में, ये भी जानी मानी हस्ती है उज्जवल कोचिंग सेंटर की, और आज हमारे बीच में बड़ा मन खुश कर जाते हैं कभी कभी, अपनी अच्छी सी सूरत दिखा करके और मुझे मोटिवेट भी कर जाते हैं ना,
सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये बिल्कुल सही आंसर है दोस्त। मैंने कब किया मना कि है नहीं है भाई, लेकिन मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ, देश का दूसरा डिप्टी सीएम है, देश का दूसरा, और तुम्हें कसम है अगर तुम नेट नोट पे इधर उधर देखो तो, अब ये देखो कि तुम पढ़ते क्या हो, अब तुम अपने मन में देखना, यस या नो लिखना, अगर पता नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं बता के जाऊंगा दोस्तों। और बड़ी तगड़ी सिचुएशन बनी थी, बड़ी तगड़ी सिचुएशन बनी थी, देश का दूसरा डिप्टी सीएम कौन, डिप्टी पीएम यानी कि उप प्रधानमंत्री बनने वाला व्यक्ति कौन था, प्रधानमंत्री जब पंडित जवाहरलाल नेहरू बने तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को डर था कहीं ना कहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल कुछ गड़बड़ा कर जाए स्वाहा, अब ऐसा ही डर कहीं और आता निकल करके। चलिए शाबाश, एक बार जानना चाहूंगा देश के दूसरे डिप्टी मुरारजी देसाई प्रवीण राजपूत, बहुत बढ़िया भाई, अगर देख के बता रहे हैं तो भी और देख कर नहीं बता रहे हैं तो भी, आपको बता देता हूं, जैसे ही आपका जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु होती है 1964 में हृदयघात की वजह से, जेएनके के अंदर वो जब अपने मैं बात करूं अपने प्राणों को त्याग दें, उस समय प्रधानमंत्री के दावेदार कौन थे आपके, तो मोरारजी देसाई, बड़ा खुखार किस्म का नेता था ये मोरारजी देसाई, ऐसी बात नहीं है, हालांकि इसने गड़बड़ तो करी और गड़बड़ी भी बड़ी भारी करी इसने, और ये एकमात्र ऐसा आपका जो कि पहला गैर कांग्रेसी व्यक्ति था, खैर कहने को तो जड़े तो इसकी कांग्रेस से ही थी, कांग्रेस के अंदर था, दूसरे नंबर का नेता था, ये आपने ध्यान रखना। दादा भाई नौरोजी, क्या बात है, खुशबू दादा भाई नौरोजी नहीं है, मुरारजी देसाई ही है गुड़िया, ये आपने ध्यान रखना है। तो मुरारजी देसाई आपको बता दूं गोधरा के क्या थे, डिप्टी कलेक्टर रहे थे, उन्होंने 1927-28-23 के आसपास इन्होंने वहां से इस्तीफा दिया, और वहां पे कांड हुआ था, गोधरा कांड 2000 वाला नहीं, उस समय भी कांड हुआ था हिंदू मुसलमानों का, वहां पर भी कुछ झगड़ा हुआ था, वो तब से चला रहा, तुम 2000 के बाद इसको जानते हो। तो मुरारजी देसाई आपके दूसरे डिप्टी सीएम थे, हरियाणा के एकमात्र डिप्टी सीएम जो आपके क्या रहे, सॉरी डिप्टी पीएम जो कि हरियाणा के सीएम रहे भाई, हरियाणा के सीएम रहे वो व्यक्ति कौन थे, हरियाणा के एकमात्र सीएम जो देश के डिप्टी सीएम रहे। चलिए शाबाश, बहुत शानदार क्वेश्चन है, ये भी आपके बीच में है। और दूसरे आपके मुरारजी देसाई रहे थे, वो खाली पीएम की बात कर रहे थे, लेकिन जैसे तैसे करके कांग्रेस की जो अखिल भारतीय कांग्रेस की जो कमेटी बनी उन्हें समझाया गया, पहले लाल बहादुर शास्त्री को बनाया गया, लेकिन जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनती है तो ब्रिज के बैठ जाता भाई, मन ने तो कुर्सी वाई चाहिए प्रधानमंत्री वाली, लेकिन जब ऐसा हुआ तो फिर पहली बार इंटरनल चुनाव होता है कांग्रेस के अंदर, कांग्रेस के बड़े नेता इकट्ठे होते हैं और इंटरनल चुनाव किया जाता कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को बनाएं या प्रधानमंत्री मुरारजी देसाई को बनाएं। एक्चुअली हक मुरारजी देसाई का ही था, वो तो गूंगी गुड़िया थी, है ना। चलिए, लेकिन वहां पर कांग्रेस वालों ने बाजी मार दी उल्टी, मतलब वहीं पर, और उन्होंने समर्थन कर दिया इंदिरा गांधी का, लेकिन फिर भी नहीं माना, बोला ना अगर मैं पीएम नहीं तो डिप्टी पीएम तो मैं जरूर रखूंगा अपने पास, और डिप्टी पीएम उन्हें मजबूरी में बनाया गया था, यानी कि आपसे पूछा जा सकता है इसके दूसरे डिप्टी पीएम मुरारजी देसाई थे, और उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी भाई, श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी, ये आपने ध्यान रखना है। देवीलाल मनोज सर बहुत बढ़िया भाई, बहुत बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बात करें, हां थोड़ा सा उसे, अच्छा अब अगला क्वेश्चन कहां आ गए, ये कहां, कैसे कहां पहुंच गए, कहां पहुंच गए, क्वेश्चन कौन सा था भाई, क्वेश्चन कौन सा था, ये क्वेश्चन था वो, है ना, ठीक है। चलो अब बात आ रही थी इसकी, हाल ही में अगला क्वेश्चन ये आपका, हाल ही में किस देश की जनसंख्या में गिरावट की दर्ज की गई है, हाल ही में किस देश की जनसंख्या में गिरावट दर्ज की गई है, ये क्वेश्चन आपके बीच में भाई, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका, हाल ही में अगर बात करें किस देश की जनसंख्या में गिरावट दर्ज की गई है, जापान, पाकिस्तान, हाँ पाकिस्तान, अल्लाह की देन, ये जनसंख्या में गिरावट दर्ज कर रहे, कमाल की बात है भाई, है ना। तो जनसंख्या भारत और ऑप्शन होता ना यहाँ, तो मजा आ जाता ना, भारत भारत ऑप्शन होता, भारत एक ही तो क्षेत्र है जहां सबसे मेहनत कर रहा जाता भाई, भारत में तो दिन दनादन आपकी बढ़ रही है, पाकिस्तान में भी भाई साहब, बांग्लादेश में भी जनसंख्या, और हाँ भूटान से मुझे याद आता है अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी हुई थी, आपको बता दूं, और रिपोर्ट क्या आई थी कि विश्व के अंदर सबसे शक्तिशाली सेना देश, शक्तिशाली सैनिक देशों का जिक्र आया था, तो पीछे से पहले नंबर पर कौन था आपका, भूटान, भूटान क्या था आपका, सबसे अंत में था उसमें, यानी कि जिसके पास सेना ही नहीं है बेचारे के पास, जिसे कोई मतलब नहीं है, तो ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है, ओके। तो जापान के अंदर अगर मैं बात करूं तो पिछले साल यानी कि 2022 से अगर मैं बात करता हूं तो भाई कुछ आपका लगभग 88 लाख, इकाई ढाई सैकड़ों हजार, 10,000 लाख, 8 लाख लोग कम, आकलन हुआ कि 8 लाख जो लोगों की कमी आई है, ये ध्यान रखना। अब यहां पर बच्चा पैदा करने अगर कोई व्यक्ति बच्चा पैदा करता तो उसकी देखभाल के लिए प्लस उसकी पढ़ाई,
पढ़ाई प्लस उसका हायर जो एजुकेशन है उसके लिए, हायर एजुकेशन के लिए सब्सिडी देगा कौन आपका, जो फूमियो है, है ना। अभी वर्तमान में जापान के जो प्रधानमंत्री हैं फूमियो, इससे पहले शिंजो आबे जापान के प्रधानमंत्री होते थे जिनका सबसे लंबा कार्यकाल था, अभी फूमियो कसीदा हैं और वो उन्हें एक अवार्ड दिया गया था, उनकी वो खैर एक्सपायर हो चुके थे, उनकी मैडम यहां से बाहर से आपका पुरस्कार लेके गई थी, तो शिंजो आबे को कौन सा पुरस्कार दिया गया था जापान से की बात हो रही, तो ये आपने ध्यान रखना है। अब जब जापान के अंदर 8 लाख लोग कम हो रहे हैं तो सब्सिडी दी गई है, ये प्रधानमंत्री जो आपके फूमियो हैं इन्होंने ये अपनी नीति बनाई है फूमियो ने। आपको बता दूं लगभग 30 लाख लोग भारत इसमें सॉरी 30 लाख लोग विदेशी रह रहे हैं, तो इन्हें डर है कि कहीं ना कहीं ये जापान पर आने वाले समय में कब्जा ही ना कर लें विदेशी, ये भी आपके बीच में क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, ये आपने इसको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए थैंक यू भाई, बहुत बहुत धन्यवाद श्याम सिंह, वेरी नाइस, धन्यवाद भाई आपका। नेहा चौहान, जय हिंद बुढ़िया। चलिए चलते भाई अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि आपके बीच में है। भूटान की राजधानी की बात करोगे तो थिम्पू है, पाकिस्तान की राजधानी की बात करो तो हमारी ये आपको पता, बांग्लादेश की राजधानी क्या ढाका है, जापान की राजधानी क्या है टोक्यो, ये आप लोग जानते हैं अच्छे तरीके से। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8 आपके बीच में जिसकी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, क्वेश्चन क्या है आपका, पैसा एक्ट चर्चा में है, इसका संबंध किस देश से रहा, ये थोड़ा सा कट गया भाई आपका, पैसा क्यों पैसा पैसा करती है, पैसे के लगा दो ढेरी, है ना, ये आ गया नीचे, है ना, ठीक है। चलिए भाई बोलते रहते हो ना जेब में रुपया ना हो 10 पर पैसे की ढेरी लगा देगा बंदा, है ना, एक एक रुपए के सिक्कों सिक्कों की। तो पैसा एक्ट आपका चर्चा में, इसका संबंध किससे रहा, शॉर्टकट में बता के चलूंगा मित्रों, समय मुझे इजाजत दे नहीं रहा, काफी समय हो चुका है, लेकिन क्वेश्चन बड़ा शानदार है भाई। क्वेश्चन आपका ये पैसा एक्ट के संबंध की बात करें तो डायरेक्ट बात करें किससे संबंध है आपका, पंचायत है, पंचायत में क्या कर रहा, भूमि का आवंटन की बात करता, जो आदिवासी जो लोग हैं आपका, आदिवासी जो लोग हैं आपका, जो आपका उन लोगों के लिए जो आपकी सुख सुविधाओं प्रदान करने से, तो पंचायत पंचायत को ही हम वास्तविक, यानी कि भूमि पर अगर लोकतंत्र कहीं आपने देखना, ग्राउंड पर लोकतंत्र आपने देखना तो पंचायत में मिलेगा। देश में पहली पंचायत व्यवस्था की अगर हम बात करते हैं भाई मेरे, तो आपको पता है कब आपका 2 अक्टूबर 1959 में देश की पहली पंचायत राजस्थान, कहां पर भाई आपका, राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में, नागौर डिस्ट्रिक्ट में कहां पर आपका, बगदरी गांव, बगदरी गांव के अंदर आपको ये पंचायत का जिक्र मिलता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और सातवें क्वेश्चन ये कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया, तो 1993 में पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया, ये भी आपके बीच में यहाँ क्वेश्चन बन सकता है, पूछा जा सकता है। देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत की बात करेंगे तो पल्ली गांव आपका, ये पल्ली जो गांव है, ये पल्ली गांव कहां पर है आपका, तो भाई ये मेरे जेएनके के अंदर है, जेएनके में भी कहां पर आपका, सांबा में, ये ध्यान रखना है। भारत की सबसे छोटी आयु की बेटी जो आपकी पंचायत व्यवस्था के अंदर सरपंच बनी हुई है वो गांव खुडारा डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ हरियाणा, जहां से आपकी लाइव क्लास चल रही है अभी, उस गांव की बेटी अंजू तवर है जो कि आपकी बीडीएस, मेरे ख्याल में बीडीएस ही शायद, वो डॉक्टरी भी कर रही है भाई वो गुड़िया, ठीक है। और मात्र 21 साल 2 महीने की एज के अंदर वो गांव की क्या बनी थी, सरपंच बनी थी, ये भी आपने ध्यान रखना है। राज्यसभा की बात करते हैं तो राज्यसभा की अगर हम बात करते हैं तो संविधान में कहां पर राज्यसभा की व्यवस्था की गई है, तो भाग नंबर 5 एक्ट नंबर 80 के अंदर आपकी राज्यसभा और राज्यसभा की अगर बात करोगे तो यहां पर 245 सदस्यों की व्यवस्था की गई है, मैक्सिमम आपके कितने हो सकते हैं, आपके 250 सदस्य यहां हो सकते हैं। लोकसभा की बात करते हैं तो ये भी संविधान के भाग नंबर 5 के अंदर है, अनुच्छेद 81 के अंदर दी गई है, ये भी आपने ध्यान रखना है। मैक्सिमम सदस्य की संख्या कितनी हो सकती है, 500 आपकी 52 हो सकती है, कब तक हो सकती है, तो ये आपका भाई 2026 तक। इनकी सीटों का निर्धारण करने का काम किसका, परिषद आयोग का। विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है, ये भी आपके बीच में शानदार क्वेश्चन है, समय नहीं है इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट करा रहा हूं। विश्व हेपेटाइटिस दिवस आपका मनाया जा रहा है आज 28 जुलाई को, लोगों को जागरूक करने के लिए, और वन लीवर सेफ लीवर इसकी थीम बढ़िया अच्छी है, आपने इसकी थीम को विशेष तौर पे ध्यान रखना कि इसकी थीम क्या है। अगर विश्व हेपेटाइटिस की अगर हम बात करते हैं तो इसकी थीम पूछेगा आप लोगों से, ठीक है, ये थीम आपने बड़ा ध्यान से सुनना है इसको, अगर पूछे तो वन इसकी थीम है, वन लाइफ वन लीवर भाई, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है, एक बार जोरदार तरीके से क्लास को एक बार थम्स अप जरूर करेंगे, तो वन लीवर क्या है इसकी थीम है, और ये आपका 28 जुलाई को किसने मनाया जाता है, क्योंकि जो जिन्होंने इस बी वायरस की खोज की, हेपेटाइटिस की जो खोज करी थी उनके लिए, किसने भाई आपका, इस दिन हेपेटाइटिस बी वायरस की खोज करने वाले जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त आपके जो थे डॉक्टर बारूक बलमबर्ग, उनका जन्मदिन है, इसलिए उनका जन्मदिन पर कौन आपके डॉक्टर है, ये है आपके बारूक बलमबर्ग, डॉक्टर बारूक बलमबर्ग जो है आपके, इनका जन्मदिन है, इन्होंने बी वायरस की खोज करी थी, वायरस
की खोज के लिए इन्हें क्या मिला था, बी वायरस की खोज के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता थे और उनको सम्मान देने के लिए 28 जुलाई को आपका किया जाता है। 27 जुलाई की अगर मैं बात करता हूं मित्रों, तो 27 जुलाई को कौन सा दिवस आपका, तो जो क्राउन रिप्रेजेंटेटिव फोर्स थी सीआरपीएफ जो फोर्स है, इस फोर्स की स्थापना दिवस मनाया जाता है। भाई 26 जुलाई की बात करें तो भारत की आन बान शान है ना, भारत की आन बान शान वही है जो आपके वीर शहीद भाई हुए हैं, कहां पर आपके कारगिल के अंदर, तो उनसे कारगिल विजय दिवस आपका 26 जुलाई को किया जाता है। 25 जुलाई की बात करेंगे तो बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा एक मिनट का समय दूंगा जरूर, क्योंकि मैंने इस पर डिस्कस किया नहीं था। ये आपका आईवीएफ दिवस मनाया जाता है, आईवीएफ दिवस। देखिए आईवीएफ दिवस की अगर हम बात करते हैं, आईवीएफ दिवस तो ये क्या है, ये किसका इलाज करता है, तो ये आपका जो विटो आपका, अगर मैं इसकी फुल फॉर्म लिख के बताऊं मेरे को एक बार जल्दी से, फिर तब तक मैं बताता हूं आपको, आपके जो आईवीएफ ये किसका इलाज है, बांझपन का, बांझ जो पन है आपका, बांझपन का इलाज है आईवीएफ, ये आपने ध्यान रखना है। दुनिया का पहला आईवीएफ जो बच्चा था ये कौन था आपसे पूछा जाता है, तो आज ये बच्चा आपका 39 वर्ष का हो चुका है और इसका नाम पूछे आपसे कि पहला जो आईवीएफ वाला जो बच्चा था ये कौन है, तो लुईस ब्राउन था। लुईस ब्राउन का संबंध कहां से था, यानी कि पहला आईवीएफ लुईस ब्राउन रहा है, ब्राउन आपसे पूछ सकता है, क्योंकि ये बीमारी आज के युवाओं में बहुत ज्यादा है, यानी कि जो आपके निसंतान दंपत्ति हैं उनके लिए ये एक रामबाण चीज है, जिनको बच्चा नहीं हो सकता है। इसमें एक्चुअली होता क्या है, मोटे तौर पे अगर आप बेसिक तौर पे समझे तो ये फैट से ही संबंध, यानी मोटापे से संबंध है, जब बच्चेदानी पर फैट ज्यादा हो जाती है तब ये बात आपका यहाँ पर, तब इस ट्रीटमेंट के द्वारा आप अपना जो पुत्र या पुत्री जो सुख प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं जो दंपति, वो आईवीएफ ट्रीटमेंट के द्वारा, आईवीएफ ट्रीटमेंट 39 वर्ष पहले लुईस जो ब्राउन थे ये पहला व्यक्ति था जिसने ये जिनको ये दिया गया था। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इसकी फुल फॉर्म क्या रहेगी, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या है इसकी फुल फॉर्म है आईवीएफ, ये आपने ध्यान रखना। 25-26 विजय दिवस है, 28 आज आपका हो ही रहा है हेपेटाइटिस, 27 की मैंने बात कर दी क्राउन वाले, ठीक है। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, एक बार जोरदार तरीके से आपने खैर थम्स अप तो आप कर चुके हैं। चलिए भाई, संजय कुमार मिश्रा चर्चा में इनका संबंध किससे रहा है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इतना प्यारा क्वेश्चन है जितने प्यारे आप लोग हैं, लेकिन आपने संख्या बढ़ाई नहीं आज है ना, बस सिर्फ वही 20 के अंडर रखी। चलिए कोई बात नहीं, ले रहे हैं आप मेरी परीक्षा, बार बार परीक्षा लेते रहे, मैं भी देखूं आप कितनी बार मेरी परीक्षा लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा समय करा करूंगा नहीं, अंतिम क्वेश्चन करा के चलता हूं, मैं भी अगली क्लास की तैयारी करूंगा, जो कि आपके बीच में अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के रिकॉर्डेड क्लास आपको मिल जाएगी, वो मैं तैयार करने वाला हूं अगली 10-20 मिनट बाद, फिर शुरू हूं मैं, लेकिन वो लोडेड रहेगी, लाइव नहीं रहूंगा। इसका संबंध किससे रहा भाई, तो ईडी से रहा, आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ये किसके अधीन आपका काम करता है, तो वित्त मंत्रालय के अधीन काम करता है, ये ध्यान रखना। इसको किसको, संजय कुमार को अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, इनका जो कार्यकाल है इसको स्थगित किया है, कार्यकाल स्थगित किया है, कब तक किया है, मे बी शायद सेप्टेम्बर तक इसको स्थगित किया है, सेप्टेम्बर तक इनको क्या कर दिया, स्थगित, इनके कार्यकाल को बढ़ा दिया है, आप ये कह सकते हैं। ईडी की स्थापना की अगर हम बात करते हैं, ईडी की स्थापना की अगर बात करोगे तो सबसे पहले हमें जिक्र मिलता है जब मुद्रा का विमुद्रीकरण हुआ था 1947 में, उस समय इसकी स्थापना की गई थी, जब इसका नाम रखा गया आपका, इसका नाम कब रखा जाता, 1957 में इसका नाम रखा जाता दोबारा से, तो आपका कौन सा नाम रखा जाता, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन आपके बीच में बन सकता है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। इसका जो नाम रखा गया था वो क्या था, ये भी आपके बीच में शानदार क्वेश्चन यहां पे बन सकता है। 1947 में इसकी क्या की गई, स्थापना की गई है ईडी की, ठीक है। और अगर मैं इसकी बात करूं, परिवर्तन निदेशालय से कब कहा गया, ये आपने इसको ध्यान रखना, 15 सितंबर तक इसका कार्यकाल बढ़ाया गया, 15 सितंबर तक है। और परिवर्तन जो निदेशालय के नाम से इसको जाना जाता है, वित्त मंत्रालय के अधीन काम करता है, वित्त मंत्रालय की एक विशेष एजेंसी है। तो चलिए दोस्तों, ये थी आज की क्लास और ये थे आपके क्वेश्चन, किसी मेरे बहन भाई का कोई विशेष क्वेश्चन कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकता है, अदरवाइज जो क्लास आपकी लोडेड मोड में मिली है उसको आपने जरूर देखना है, और आज की क्लास आपके बीच में हो चुकी है, फिर भी अगर मेरा कोई बहन भाई कुछ पूछना चाहता है तो ठीक है, नहीं तो फिर मिलते हैं सुबह, हो सकता है मैं 5:45 पर आपके बीच में, अगर मौसम ठीक रहता है तो जरूर एक क्लास अपनी करंट वाली, और इस समय फिर अगर जिस दिन सुबह करंट की क्लास हो जाएगी तो उसी दिन आपका शाम के टाइम टॉपिक और सीईटी बेस के आपके टॉपिक हरियाणा का भी मैंने कराना सिस्टम, तो सारी चीजें आपके बीच में आ जाएंगी। मोनू लखेरा थैंक यू, सचिन यादव धन्यवाद, मनोज सर धन्यवाद, ऋतिक प्रियंका जितेश रवि डिम्पी सबको मेरी तरफ से थैंक यू। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद जय भारत, रुदिवश फिर मिलेंगे दोबारा से एक बार फिर अपनी
नए अंदाज में एक और क्लास लेकर के आज मुझे आप लोगों के बीच में स्टेज पर 505 दिन हो चुके हैं दोस्तों, और प्यार कितना दिखा रहे हैं ये आप लोग आपके बीच में आपके सामने है। तो जय हिंद, जय भारत, डू द बेस्ट।